डियर फ्रेंड्स, जब आपके किचन से वेस्ट निकलता है तो उसको आप फेंका नहीं करें, उसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ कि गार्डन वेस्ट को कैसे किस किन 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 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से किचन वेस्ट को भी हम दो तीन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल खूबसूरत नेचर। हैव अ नाइस डे एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा किचन वेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन के कोने में ये एक बकेट रखी हुई है, इसी के अंदर मैं अपना किचन वेस्ट लाके गार्डन वेस्ट लाके इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूँगी। तो जब हम अपने गार्डन, तो ये दो तीन महीने में बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा। और मेरे पास बहुत सारे बर्तन नहीं हैं, बहुत सारी बाल्टियां नहीं हैं, तो एक ये है, एक और भी इधर है मिट्टी वाली, तो उसी में मैं बनाती रहती हूँ कंपोस्ट। जब हम अपने गार्डन की सॉइल को नया करेंगे, किसी भी पॉट की सॉइल को, तो अपने उस पॉट की सॉइल को हम बाहर निकाल देंगे और फिर उसके अंदर फिर हम इस पॉट में से नीचे से हम अपना वो निकाल लेंगे, अपना कंपोस्ट निकाल लेंगे नीचे की तरफ। इसमें बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो गया होगा क्योंकि वो बहुत दिन से इसमें पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अभी और इसमें मिट्टी डाल देंगे और जो उस पॉट की मिट्टी होगी उसको हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे उस पॉट की मिट्टी, जिसको हमें नया करना है, जिसकी मिट्टी को, वो बिल्कुल नई और उपजाऊ हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी इस मेथड से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यही तरीका है, इसी तरीके से मैं अपनी गार्डन सॉइल को रिन्यू करती रहती हूँ। अभी इस पर और मिट्टी डलेगी, तो जितनी मिट्टी मेरे पास थी अभी और है वो डाल दूँगी। तो ये कुछ महीनों में बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा और नीचे से अभी मैं निकाल लूँगी। जब मुझे किसी पॉट को नया करना होगा तो मैं नीचे से इसमें से कंपोस्ट निकाल लूँगी जो बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।